हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास प्लस टू है और आज मैं आपको लिटरेरी पेडल की बुक में से 10th चैप्टर है जो आफ्टर 20 ईयर्स ओ हेनरी का लिखा हुआ चैप्टर है वो करवाने जा रही हूँ। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आफ्टर 20 ईयर्स के बाद ऐसा क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ था और आफ्टर 20 ईयर्स के बाद क्या होने जा रहा है। तो द चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द पुलिस मैन ऑन द बीट मूव्ड अप द क्वाइट रोड स्मार्टली। एक पुलिस मैन है, वो एक सुनी सड़क, मतलब एक जो खाली सड़क है बिल्कुल, उस पर चल रहा है। ही स्मार्टनेस वॉज हैबिचुअल एंड नॉट फॉर शोन, फॉर स्पेक्टेटर्स वर फ्यू। उसकी जो स्मार्टनेस है वो हैबिचुअल है, मतलब हमें कई बार चलने का तरीका अलग सा होता है तो वैसे वो है। नॉट फॉर शो, वो शो के लिए नहीं स्मार्टनेस दिखा रहा, उसमें हैबिचुअली है। स्पेक्टेटर्स मतलब होता है देखने वाले, जो उसको देखने वाले हैं वो बहुत कम है। द टाइम वॉज ओनली 10 o'clock एट द नाइट। टाइम कितने का है, रात के 10 बजे का। बट द लोकेलिटी वॉज वन दैट कैप्ट अर्ली आवर्स एंड चिली विंड्स एंड अ ड्रिजल हैड ऑलमोस्ट डी पीपल्ड द स्ट्रीट। लोकेलिटी है, अभी इतनी जल्दी अपने घर पे नहीं जाते लोग, पर उस दिन क्या था, बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी और साथ में हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से गलियों में लोग बहुत कम थे। Examine closed doors as he went, making various interesting and playful movements with his small stick. The officer with his stalwart figure and smart movements made a fine picture of the guardians of the law. Examine old closed doors. लोगों के दरवाजे घर के बंद थे। एज इवेंट, जब वो पहुंचता है। मेकिंग वेरियस इंटरेस्टिंग एंड प्लेफुल मूवमेंट्स विद हिज स्मॉल स्टिक, अपनी छोटी सी जो छड़ी है उसके हाथ में, उसके साथ वो छोटी छोटी इंटरेस्टिंग सी मूवमेंट्स कर रहा है। द ऑफिसर, ऑफिसर कर रहा है। विद हिज स्मार्ट फिगर एंड स्मार्ट मूवमेंट्स मेड अ फाइन पिक्चर ऑफ द गार्डियंस ऑफ द लॉ। और उसकी इन मूवमेंट से जो थोड़े लोग देखने वाले हैं वो इम्प्रेस हो रहे हैं। ही कुड सी अ फ्यू लाइट्स कमिंग फ्रॉम अ सिगार स्टोर एंड ऑल नाइट होटल एंड वन और टू टेलर शॉप कंप्लीटिंग द डेज वर्क। तो वो क्या देखता है कि कई जगह पे छोटी छोटी लाइट्स हैं वो जल रही हैं, सिगार स्टोर की। ऑल नाइट जो होटल्स हैं उनके घरों की लाइट जल रही है और एक या दो जो टेलर की शॉप्स हैं वो ओपन हैं, जो अपना काम दिन का ख़त्म कर रहे हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेज वर बिजनेस प्लेसेस दैट हैड लॉन्ग सेंस बीन क्लोज्ड। और जो घर हैं वहाँ पे ज़्यादातर वो क्लोज हैं, बंद हो चुके हैं। नाउ एंड देन ही वुड सडनली टर्न अबाउट एंड कास्ट हिज वॉचफुल आई अलॉन्ग द पीसफुल रोड। और फिर एक वो अभी एकदम से घूमता है और अपनी जो खाली सड़क है उसके सामने उसकी तरफ देखता है। He was thinking of what his boss had said in the morning. वो सोचता है कि सुबह उसके बॉस ने उसको क्या कहा था। Pale face, square jaws, deep and dark eyes and a little scar near the right eyebrow. अब उसने कहा, उसके बॉस ने उसको एक पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि कोई बंदा है, उसका फेस पेल है बिल्कुल, स्क्योर जाब्स मतलब उसका जो मुंह है वो स्क्योर में है, डीप एंड डार्क आइज हैं उसकी, लिटिल स्कार नियर द, और छोटा सा मार्क है उसकी राइट आईब्रो के ऊपर। एज ए पार्ट ऑफ द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ही फेल्ट अ लिटिल अशेम्ड दैट द नेम ऑफ दिस नोटीरियस क्राइम क्रिमिनल वॉज स्टिल अननोन। वो एक क्रिमिनल की तलाश कर रहा है जो कि अभी तक पकड़ा नहीं गया है, एंड दैट ही वॉज स्टिल एट लार्ज। पेंटिंग counterfeit notes was a serious affair he knew and the criminal might be closed. कहता है कि उसने बहुत सीरियस क्राइम की है और उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। He took out his pocket book under a lamp post and looked at the $5 note and the reconstructed photograph. वो क्या करता है, स्ट्रीट के साइड में जो एक स्ट्रीट लाइट लगी होती है उसके नीचे जाता है, अपनी नोटबुक निकालता है, उसमें $5 का नोट देखता है और उस पिक्चर को देखता है क्रिमिनल की। ही बिकम थॉटफुल, वो फिर उसके मन में विचार आता है, शिकागो 1000 miles अवे, व्हाट चांस, कहते हैं शिकागो यहाँ से हज़ारों मील दूर है, क्या चांस हो सकता है। देन ही सेड टू हिमसेल्फ अलाउड, फिर वो अपने आप को बोलता है, नेवर माइंड माई बॉय, यू हैव बीन अ ड्यूटीफुल वन दिस लास्ट 18 years एंड लक ओन यू आर डबिट। अपने आप को बोलता है कि कोई बात नहीं, यू हैव अ ड्यूटीफुल वन दीज
लास्ट 18 ईयर्स, तुम 18 साल से काम कर रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो, एंड लक ऑन यू आर डिबिट, और डेबिट जो तुम्हारा कर्जा है वो एक ना एक दिन ज़रूर उतरेगा। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग टू हिमसेल्फ, ये पुलिस मैन की आदत थी कि वो खुद से बातें करता था। समटाइम्स वैन नबडी वॉज बाय, जब उसके पास कोई नहीं होता था तो वो खुद से बात करना लगता था। एंड ही लाइक टू रेफर टू हिमसेल्फ एज ए बॉय, और उसको अपने आप को लड़का कहने में बहुत अच्छा लगता था, दो ही वॉज 40, चाहे वो 40 साल का हो गया था फिर भी वो अपने आप को लड़का बुलाता था। देयर वॉज अनदर थिंग ऑन हिज माइंड, उसके दिमाग में एक और बात आती है। ही लुक्ड एट हिज वॉच, वो अपनी वॉच की तरफ देखता है, 10:15, 15 मिनट्स मोर, मतलब 10 की बजाय अब कितने हो गए हैं, 10:15 हो गए हैं। इट वॉज़ अ लॉन्ग रोड, बहुत लंबी सड़क थी, बट देयर वॉज इनफ टाइम, पर उसके पास बहुत टाइम था। आफ्टर अ मिनट ही डिस्कस्ड अबाउट 500 मीटर्स अहेड द आउटलाइन ऑफ अ मैन नियर द डोरवे ऑफ अ डार्कन्ड हार्डवेयर स्टोर। ही क्विकेंड हिज स्टेप, तो उसको आफ्टर अ मिनट, एक मिनट के बाद, एक 500 मील की दूरी पे, मीटर की दूरी पे उसको एक आदमी दिखाई देता है, वो उसकी तरफ बढ़ता है। द प्लेस वॉज स्लाइटली डार्क, जगह बहुत सुनी है, डार्क है, लेइंग एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन टू लैम्प पोस्ट, और उस लंबी सड़क पे दो लैंप लगे हुए हैं। ही वॉज अबाउट टू एड्रेस द मैन बट चेंज्ड हिज माइंड एंड अलाउ द मैन टू बी, वो आदमी को बुलाना चाहता है जो सामने जा रहा है, पर उसका माइंड चेंज हो जाता है और अलाउ द मैन टू बिगिन, और वो चाहता है कि आदमी उसके पास खुद आए। द मैन रियलाइज दैट द वे ही वॉज स्टैंडिंग देयर मस्ट लुक सस्पिशियस टू वन हू डिड नॉट नो हिज स्टोरी, वो आदमी जो सामने से आ रहा था वो रियलाइज़ करता है कि जो जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, जो सड़क है, ही वॉज स्टैंडिंग देयर मस्ट लुक सस्पिशियस टू वन हु डिड नॉट नो हिज स्टोरी, कहता उसको मैं बहुत अजीब लगूंगा जिसको मेरी स्टोरी नहीं पता, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, तो देखने वाले को लगेगा कि ये यहाँ क्यों खड़ा है। सो ही सेड एज द पुलिस मैन वॉकड अप टू हिम, तो वो पुलिस मैन जो उसके पास आता है उसको बोलता है, इट्स ऑल राइट ऑफिसर, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, वो कहता है कि, अब वो पुलिस मैन वाला उसके आदमी के पास चला गया, वो आदमी कहता है कि मैं तो अपने फ्रेंड की वेट कर रहा हूँ, इट इज़ एन अपॉइंटमेंट मेड 20 ईयर्स अगो, यहाँ पे मैंने उसको 20 साल पहले यहाँ पे बुलाया था आज के दिन, ठीक है, तो मैं उसकी वेट कर रहा हूँ। इट साउंड्स अ लिटिल फनी टू यू डज नॉट इट, क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता कि 20 साल पहले मैंने किसी को बुलाया हो, आज के दिन भी या आज यहाँ पे मिलेंगे तो वो आएगा। Well, I will explain so as to remove all suspicions from your mind. Well, I will explain, कहता कि मैं आपको explain कर दूंगा जो कि जो भी आपके mind में doubt आ रहे हैं। After 20 years ago, there used to be a restaurant where this store stands, Brandy's restaurant. कहता 20 साल पहले यहाँ पे एक restaurant होता था, उस restaurant का नाम था Brandy's restaurant, जहाँ पे आज एक store बन चुका है। Until 5 years ago, said the officer. Officer कहता है कि 5 साल पहले ही बना है ये तो। It was torn down then. यहाँ पे ये बिल्कुल टूट चुका था। He was about to take the hand of the stranger but checked himself. वो उसके साथ हाथ मिला के जाने लगता है और अपने आप को चेक करता है। The man in the doorway struck a match and light. लिट हिज सिगार, उस रोड पे अंधेरा था और जो वो आदमी था, स्ट्रेंजर था, वो अपनी सिगार जलाने के लिए जब माचिस जलाता है, द पुलिस मैन हैड अ चांस टू लुक एट द फेस ऑफ द मैन, तो वो पुलिस मैन उस आदमी का फेस है जो उसमें रोशनी में देख लेता है। 20 years ago tonight, said the man, I dined here at Brandy's with Jimmy Wells, my best chum and the finest chap in the world. कहता कि 20 साल पहले उस रात को मैं अपने दोस्त के साथ ब्रांडी रेस्टोरेंट में, जिसका नाम जिमी वेल्स था, उसके साथ यहाँ पे खाना खाया, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है पूरे दुनिया में। वी वर बोथ बॉर्न एंड ब्रॉट अप हेयर इन द न्यूयॉर्क, हम दोनों पैदा और हुए और यहीं पे रहते थे न्यूयॉर्क में, जस्ट लाइक टू ब्रदर्स, जैसे हम दोनों भाई हों। आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20, मैं 18 साल का हूँ और जिमी 20 साल का है। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्चून, और अगली सुबह, उस रात हमने डिनर किया और अगली सुबह मैं अपने जर्नी पे निकल गया वेस्ट की तरफ। जिमी वॉज अ
होमिंग बर्ड जिमी है जो उसको घर पे रहना ज़्यादा पसंद था. यू कुड नॉट हैव डायरेक्ट जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क. ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ. उसको ऐसा लगता था कि न्यूयॉर्क ही सारी दुनिया है, वो यहीं रहता था. ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन द अर्थ. वेल वी एग्रीड that night that we would meet here again exactly 20 years from the date and time, no matter what our conditions might be or from what destination we might have to come. kehta humne wahan us raat jaane se pehle ye vaada kiya tha ek dusre ko ki 20 saal baad hum isi jagah pe milenge, chahe hum kitni hi dur kyun hain, chahe hum ki koi bhi condition mein ho, par 20 saal baad isi din isi jagah pe aake hum isi time mein milenge. We felt that in 20 years each of us would have had his career made and got what life have to given. और हम एक 20 साल बाद आके एक दूसरे को बताएंगे कि हम क्या बन गए, हमारा करियर क्या है और हमारी लाइफ कैसी है. It sounds pretty interesting, said the policeman. Policeman कहता है कि ये तो बहुत अच्छी स्टोरी है. Rather a long time between meets, it seems to me, have not you heard from your friend since you left? Rather a long time, कहते कि इतने लंबे समय बाद तुम आपस में मिल रहे हो. Have not you heard, क्या तुमने नहीं सुना अपने फ्रेंड से कि वो since you left, वो जब वो गया था. Well yes, for a time we corresponded, said the other, but after a year or two we lost track of each other. कहते कि उसके बाद हमारी बात हुई थी पर एक दो साल बाद हमारी जो बात है वो ख़त्म हो गई थी. दो शिकागो वॉज वट यू कॉल माई हेड क्वार्टर्स. आई कैप्ट मूविंग अराउंड अलॉट. कहते चाहे शिकागो, जिसको मैं शिकागो बोलता हूँ, मेरा हेड क्वार्टर्स थे. मैं आई कैप्ट मूविंग अराउंड अलॉट. मैं वहाँ पर बहुत घूमा हूँ. बट आई नो जिमी विल मीट मी हेयर इफ ही इज़ अलाइव. कहता पर मेरे को पता है कि मेरा फ्रेंड जिमी मेरे को आज यहीं पर मिलेगा अगर वो ज़िंदा है. For he always was the tourist. वो हमेशा सच रहता है, सच बोलता है. Old champ in the world. He will never forget. वो कभी नहीं भूल सकता. I came 2,000 miles to stand at this door tonight. मैं उसके लिए हज़ारों मील से चल के आज रात यहाँ पर आया हूँ. And it's worth it for it if my old partner turn up. और मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरा old partner भी यहाँ पर मेरे पास आएगा. The waiting man pulled out a handsome watch. एक जो आदमी वेट कर रहा था उसने बहुत अच्छी घड़ी पहनी हुई थी. द लिड ऑफ इट सेट्स विद स्मॉल डायमंड्स. उसमें छोटे छोटे डायमंड्स हैं जो वो लगे हुए थे. 10:25 ही सेड. 10:25 इट वॉज एग्जैक्टली हाफ पास देन 10 व्हेन वी पार्टेड हियर एट द रेस्टोरेंट डोर. कहता कि अब 10:25 हो गए हैं तो हमने एग्जैक्ट 10:30 मिलने का प्लान बनाया था रेस्टोरेंट डोर पे मिलने का. मेड लॉट्स ऑफ मनी आउट ऑफ द बेस्ट, डिड नॉट यू. कहता कि मैंने तो बहुत पैसा कमाया वेस्ट में, तुमने नहीं कमाया. आस्क द पुलिसमैन. पुलिसमैन बोलता है मेड लॉट्स ऑफ मनी आउट इन द बेस्ट, डिड नॉट यू. वेल इट was not bad, I must admit. I hope Jimmy had done half so well. कहता कि मेरे को लगता है कि उसने आधा तो बना ही लिया होगा. He was somewhat slow in the brain. उस दिमाग से थोड़ा स्लो है वो. Though he was a good fellow, चाहे वो एक अच्छा इंसान है. He have had to compete with some of the sharpest wits in the world to earn many dollars. पर वो जो sharpest mind के लोग हैं उनके साथ compete करता है dollars बनाने में. A man gets into the nut in New York. The West requires fighting and teaches it. और जो West है वो क्या require करते हैं, fighting करना और teach करना. The policeman took a step or two. Policeman एक दो कदम आगे लेता है. I hope your friend comes around all right. पुलिसमैन बोलते हैं कि मेरे को लगता है तुम्हारा फ्रेंड आ रहा है. आर यू गोइंग टू वेट फॉर सम टाइम इन केस ही डज नॉट टर्न अप एट द अपॉइंटमेंट टाइम. पुलिसमैन पूछता है कि अगर तुम थोड़ी देर और वेट करोगे, अगर तुम्हारा फ्रेंड 10:30 नहीं आया तो. आई विल गिव हिम हाफ एन आवर. मैं उसको आधा घंटा और दूंगा. वो आदमी कहता है इफ़ जिमी इज़ अलाइव ऑन अर्थ ही विल बी देयर बाय दैट टाइम. कहता अगर वो जिंदा है जिमी तो वो ज़रूर आएगा. सो लॉन्ग ऑफिसर.
गुड नाइट सर, सेड द पुलिसमैन. पुलिसमैन उसको गुड नाइट बोल के चला जाता है. पासिंग ऑन अलॉन्ग हिज बीट एग्जामिन डोर्स एज ही वेंट. उसी तरह ही जैसे पहले वो जांच पड़ताल कर रहा था बाकी घरों की, वैसे वहाँ से चला जाता है. द विंड वॉज ग्रोइंग मोर चिली एंड द ड्रिजलिंग वॉज थिंकिंग. द फ्यू मैन हु वर आउट क्विकली देयर स्टेप्स, देयर कोट कॉलर्स टर्नड अप एंड हैंड्स पॉकेटेड, एंड नियर द डोर ऑफ द हेडवेयर स्टोर द मैन हु हैड कम 1,000 miles टू फिल एन अपॉइंटमेंट विद द फ्रेंड ऑफ हिज यूथ स्मोक्ड हिज शिकार एंड वीट. और वहाँ पर अब ठंडी हवा चल रही थी, लोग जो थे थोड़े बहुत बाहर थे वो अपने कोट में हाथ डाल के घूम रहे थे, उन्होंने कॉलर अपने ऊपर कर लिए थे ताकि उनको ठंड ना लगे. पर वो जो बंदा वेट कर रहा था अपने फ्रेंड की, वो वहीं खड़ा होकर सिगार पी रहा था और वेट कर रहा था. अबाउट 20 minutes ही वेटेड. 20 minutes वेट करने के बाद एंड देन अ टॉल मैन इन अ लॉन्ग ओवरकोट, और एक आदमी आता है जिसने लॉन्ग ओवरकोट पहना है विद कॉलर टर्नड अप टू हिज ईयर. उसने अपने कॉलर हैं जो कानों तक ढके हुए हैं. हरिड क्रॉस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट. जल्दी से वो उसके पास से निकल जाता है. ही वेंट डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन. वो जो वेट कर रहा है मैन उसके पास पहुंचता है. इज दैट यू बॉब, ही आस्क्ड डाउटफुली. वो उसको पूछता है कि तुम बॉब हो. Is that you, Jimmy Bell? तुम Jimmy Bell हो, cried the man near the door. वो आदमी चिल्ला के बोलता है. Bless my heart, examine the new arrival, grasping both others' hands with his own. It's Bob, sure as fate. I was certain I had find you here if you were still in existence. Well, well, well. 20 years a long time. The old restaurant is gone, Bob. I wish it had lasted so that we could have had another dinner there. How has the West treated you, old man? तो वो उसको उसका फ्रेंड मिल जाता है जो बॉब होता है. वो वहाँ पे पहुँच जाता है जिसकी वो वेट कर रहा होता है. तो वो जिमी विल भी वहाँ पे पहुँच जाता है. दोनों आपस में मिलते हैं, खुश होते हैं कि उन्होंने जिस रेस्टोरेंट में डिनर किया था आज वो रेस्टोरेंट बंद हो चुका है. Nothing to complain of. It was giving me everything I asked for. फिर उसको पूछता है कि वेस्ट ने तुम्हें क्या दिया. वो कहता है कि कोई ऐसी बात नहीं है, मुझको जो चाहिए था वो मिल गया है. यू हैव चेंज्ड अ लॉट, जिमी. वो कहता है कि तुम जिमी बहुत चेंज हो गए हो. यू लुक टॉलर बाय 8 or 10 centimeters देन व्हेन वी मेट लास्ट. कहता है तुम तो लंबे हो गए हो 8-10 centimeters जब हम लास्ट टाइम मिले थे तब से. डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क, जिमी. उस जिमी को बोलता है कि तुम न्यूयॉर्क में अच्छे से रहते हो. नॉट सो बैड, ज़्यादा बुरा नहीं है. आई वर्क इन अ डिपार्टमेंट स्टोर एज असिस्टेंट मैनेजर. मैं न्यूयॉर्क में असिस्टेंट मैनेजर हूँ. गुड पे एंड अदर बेनिफिट्स. मेरे को अच्छी सैलरी मिलती है और अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं. कम ऑन बॉब. वो बॉब को बुलाता है. वी विल गो अराउंड टू अ प्लेस आई नो ऑफ एंड हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम्स. चलो हम कहीं और चलते हैं और लंबी सारी बातें करेंगे. The two men started up the street arm in arm. दोनों लड़के बाजू में बाजू डाल के घूमने जाते हैं. The man from the west was somewhat puffed up by success, was talking of his possessions and of his important friends in Chicago and elsewhere. तो जो बॉब होता है वो अपने शिकागो के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में बताता है. The other covered with his overcoat was listening with rapid attention. They had not yet taken a good look at each other's faces. और दूसरा जो जिमी होता है वो अपने आप को कवर करके अच्छे से कोट से उसके साथ चल रहा होता है. They neared a medicine store lit brilliantly with its electric lights. Medical store के पास कुछ lights चल रही होती हैं. Each of them turned mentally to gaze at each other's face. दोनों ने अभी तक एक दूसरे के फेस नहीं देखे. जब मेडिकल स्टोर के पास पहुँच के लाइट्स जलती हैं तो वो एक दूसरे के फेस को देखते हैं. द मैन फ्रॉम द वेस्ट स्टॉप्ड सडनली एंड लेट गो टू द अदर्स आर्म. वो आदमी बॉब जो होता है वो एकदम से रुक जाता है जब चेहरा देखता है जिमी का. और You are not Jimmy Bell. तुम Jimmy Bell तो नहीं हो. 20 years is a long time, but not enough to change a man's sharp nose to a flat nose. कहता 20 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का नाक जो तीखा है वो फ्लैट हो जाए. इतना भी चेंज नहीं आता. It sometimes changes a good man into a bad man, said the tall man. लंबा आदमी बोलता है कि it sometimes changes a good man into a bad man. पर कहता 20 साल में एक अच्छा इंसान बुरा इंसान तो बन सकता है. You have been under arrest for 10 minutes, Bob. कहता मैं तुम्हें 10 मिनट में अरेस्ट कर लूँगा. Whatever your name is, तुम्हारा जो भी नाम है,
The commissioner of police Chicago longs to have a chat with you in connection with some bundles of $5 notes which have come this way. कहता कमिश्नर है, जो पुलिस कमिश्नर है शिकागो का, उसने हमारे साथ कॉन्टैक्ट किया तुम्हें पकड़ने के लिए. कम क्विकली प्लीज एंड नो ट्रिक्स, कोई ट्रिक मत खेलना. बिफोर वी गो टू द स्टेशन, हम स्टेशन जाने से पहले, हेयर आर नोट आई वॉज आस्क टू गिव यू, मेरे को बोला गया कि ये नोट तुम्हें देने के लिए, इट्स फ्रॉम द असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिमी वेल. ये एक इंस्पेक्टर ने मुझे दिया है, जिमी वेल ने. द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्डेड द लिटल पीस ऑफ पेपर हैंडेड टू हिम. एक वो आदमी बॉब को वो $5 का नोट पकड़ाता है. हीज हैंड वॉज रीडेड वैन ही बिगेन टू रीड, बट इट ट्रम्बल्ड अ लिटल बाय द टाइम ही हैड फिनिश्ड. द नोट वॉज रैदर शॉर्ट. उसमें जो छोटा सा एक नोट लिखा होता है, उसमें लिखा होता है बॉब आई वॉज द अपॉइंटेड प्लेस ऑन द टाइम. उस पेपर पर लिखा होता है बॉब मैं तुम्हारे दिए हुए टाइम पे पहुंच गया था. व्हेन यू स्ट्राइक द मैच ऑफ टू लाइट योर सिगार, जब तुमने सिगरेट जलाई अपनी, आई सॉ इट वाज द फेस ऑफ द मैन वांटेड इन शिकागो. कहता मुझे वो फेस देखने को मिला जो शिकागो में कई दिनों से ढूंढा जा रहा है. Somehow I could not do it myself, so I went around and got a plain clothes policeman to do the job. कहता कि मैं तुम्हें खुद से नहीं पकड़ सकता क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो, तो मैंने प्लेन क्लोथ पहन के पुलिस की जॉब कर रहा था और इसलिए मैंने दूसरे आदमी को भेजा है. तो इस तरह से बॉब है जो वो पकड़ा जाता है. मतलब मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ तो ये जो स्टोरी है वो दो फ्रेंड्स की है, जिमी एंड बॉब. ठीक है, जिमी एंड बॉब. बॉब है जो वो मिलने पहुंचता है, जिमी इंस्पेक्टर है जो कि उस सड़क पे खड़ा इंक्वायरी कर रहा है, उसको एक क्रिमिनल की तलाश है. वो क्रिमिनल बॉब होता है, पर बॉब जो है वहाँ उस सड़क पे आता है अपने फ्रेंड से मिलने जो 20 साल पहले उससे बिछड़ा था. तो जिमी उसका फ्रेंड होता है और साथ में इंस्पेक्टर है. जिमी को पता चल जाता है कि बॉब जिसको मैं मिलने पहुंचा हूं वो बॉब है और बॉब ही क्या है, क्रिमिनल है. तो वो खुद पकड़ नहीं सकता था अपने फ्रेंड को क्योंकि वो उसका बचपन का दोस्त था, दोनों भाई की तरह रहते थे. तो उसने क्या किया, अपने एक साथी इंस्पेक्टर को भेजा इसको पकड़ने के लिए. और उस इंस्पेक्टर ने बॉब को एक लेटर दिया छोटा सा, जिसमें ये लिखा हुआ था जिमी की तरफ से कि मैं जिमी हूँ, तुम्हारा 20 साल पुराना फ्रेंड, मैं तुम्हें मिलने पहुँचा था, मैं तुम्हें मिला हूँ, मैं तुम्हें अरेस्ट करूँगा, पर मैं तुम्हें खुद अरेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने साथी को भेज रहा हूँ तुम्हें अरेस्ट करने के लिए. तो ये स्टोरी थी बेटा 20 ईयर्स अगो की. उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से समझ लो. ओके ओके बेटा, हैव अ नाइस डे.